नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑनलाइन इन्वेस्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी आज फिर एक बार कोर्ट में पहुंचकर वो काम कर दिया जो राहुल गांधी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। राहुल गांधी ने आज अपनी बोली हुई बात को लेकर के कोर्ट में कहा, मैं किसी भी हद तक चला जाऊं मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी को याद होगा आपको, रायबरेली में राहुल गांधी ने 2019 चुनाव के वक्त पे चौकीदार चोर है कहके प्रधानमंत्री को संबोधन किया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। उसके बाद क्या कुछ हुआ था आप सभी को पता है, चलिए इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आज सभी मोदी चोर है पे राहुल गांधी ने कोर्ट में पहुंचकर गुजरात में क्या कांड कर दिया है आपको दिखाने जा रहा हूं, आपसे अनुरोध करूंगा। और कांग्रेस के अगर आप चाहने वाले हो तो कृपया करके आप सभी से अनुरोध करूंगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पार्टी को अपने बचा लीजिए, क्योंकि आप अगर आपका नेतृत्व सही नहीं है तो पार्टी बच नहीं सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख रहे हो, अब तक जिस प्रकार से पूरे 70 साल तक कांग्रेस राज्य में रही और आज कांग्रेस की हालत क्या है आप सभी जानते हैं कि आज वो अपने अस्तित्व के लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के अस्तित्व के लड़ रही है कि उनका गांधी परिवार का अध्यक्ष का पद जो है वही बचा रह जाए, बाकी सारे पद देश के कांग्रेस से कहीं ना कहीं हाथ से रेत की तरह फिसल चुके हैं। चलिए ले चलता हूं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर और क्या आज पूरा का पूरा मामला हुआ है। मैं आपको बता दूं, आज एक पुराने केस में राहुल गांधी को गुजरात में बुलाया गया था, गुजरात के कोर्ट में, और वहां पर टिप्पणी सभी मोदी चोर है को लेकर राहुल गांधी ने गलत टिप्पणी की थी चुनाव के दौरान। इसको लेकर के कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगने तक के लिए कहा गया था कि माफी मांगे। उसके बाद राहुल गांधी का क्या आया बयान, आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में आज सूरत के एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज कराने के हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दौरान उन्हें मोदी सरनेम पर विवाद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस ने सांसद ने कोर्ट में कहा कि वह व्यंग कर रहे थे। उन्होंने कहा वो व्यंग कर रहे थे, ऐसा कुछ उनका कहने का मतलब नहीं था, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उन्हें अब इस बारे में कुछ बहुत कुछ भी याद नहीं है। यानी राहुल गांधी के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो कुछ ही देर तक कि महज अगर आपसे बात कर रहे हैं तो 2-2.5 या 3 मिनट तक आपके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर कंसंट्रेशन वो हटा देते हैं, तो उसी तरह राहुल गांधी ने आज कोर्ट में भी मान लिया कि उनको ज़्यादा देर तक बातें याद नहीं रहती है। उन्होंने यही कहा कि अब यहाँ तक उन्हें साफ तौर पर कहा कि मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है उस बारे में कि मैंने उस समय क्या कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, मेरा इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाने का नहीं था, मैं सिर्फ चुनाव के दौरान बैंक कस रहा था, मुझे इसके बारे में अधिक याद भी नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल माफी नहीं मांगेंगे। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात के एक विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने IPC की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और एक हफ्ते के पहले सूरत के मुख्य न्यायाधीश स्टेट मजिस्ट्रेट A.N. दबेन ने मामले के अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिया था। विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनाव रैली में यह कहकर पूरे समुदाय के मानहान किया है कि सभी चोरों का एक उपनाम मोदी कैसे है। कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 में हुई चुनाव रैली को राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे, सभी चोरों का एक उपनाम मोदी कैसे, एक क्वेश्चन मार्क के बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा था। राहुल गांधी कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उस समय। इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में भी अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने इस टिप्पणी को लेकर खुद को दोषी नहीं माना था। आपको बता दें इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार इस तरह के कृत्य कर चुके हैं। राहुल गांधी को कोर्ट में उनके इस हमेशा उनकी आदत है कि वो कोर्ट में पहले माफ़ी नहीं मांगते हैं, उसके बाद हलफनामा देते हैं, उसके बाद फिर हलफनामा देते हैं। मतलब राहुल गांधी के साथ आदत यही है, चौकीदार चोर है के लिए भी उन्होंने यही किया था। और उस समय
जब कोर्ट में घसीटा गया था तो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, कम से कम 2-3 बार करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां माफी सुप्रीम कोर्ट से मांगना था, कोर्ट के उन्होंने कहा था कि अपने बयान में कहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि सभी गांधी माफ कीजिएगा सभी मोदी चौकीदार चोर है, माफ कीजिएगा चौकीदार चोर है, को बयान को लेकर उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है। और ये बयान बाद में जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इसको अपने ऊपर टिप्पणी माना, मर्यादित टिप्पणी, जो कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। आखिर में राहुल गांधी 3 बार एफिडेविट देने के बाद वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। देखते हैं अगले सुनवाई जो 24 जुलाई को होने, 11 जुलाई को होनी है, आखिर उसमें क्या होता है। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।